myself Yuvraj Singh and ex-Gurukulite. I completed my 8th to 12th in Kavir Point Gurukul, that is batch from 2017 to 2022, and currently I am pursuing BCom honors from MIT University Lucknow campus. मैं यहाँ पे 8th क्लास में आया था और रेजिडेंशियल कैंपस हॉस्टल था ये, तो हॉस्टल के रिगार्डिंग मेरी काफ़ी नेगेटिव वाइब्स थी, पर यहाँ पे आने के बाद मेरी हॉस्टल के रिगार्डिंग पूरी थिंकिंग बदल चुकी है. इसके जो भी इसके पीछे का कारण है, इसका कारण है यहाँ पे यहाँ का जो गुड एनवायरनमेंट है, पॉजिटिव एटमोसफियर है, एंड सबसे ऊपर यहाँ की जो फूडिंग, हॉस्टल एकोमोडेशन, एजुकेशन में मिलने वाला सपोर्ट, और सबसे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी फैमिली की बात हमको लगता है वो यहाँ पे मिलता है, एक स्टाफ सपोर्ट वो यहाँ पे काफ़ी अच्छे से मिला. यहाँ पे 10th के बाद मैंने 11th में एक कॉमर्स स्ट्रीम ऑप्ट करी, क्योंकि कॉमर्स स्ट्रीम में यहाँ पे कम बच्चे थे, कम बच्चों में टीचर्स हमारे काफ़ी क्वालिफाइड और हमारे अच्छे थे, काफ़ी वो हार्ड वर्किंग टीचर थे, बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा कुछ सोचा करते थे. मैंने यहाँ पे बोली तो उन टीचर से 1-to-1 इंटरेक्शन हुआ. मेरे 11th में ऑनलाइन एजुकेशन कोविड की वजह से काफ़ी बेसिक्स कमज़ोर हो गए थे, और उन टीचर्स के सही गाइडेंस और टीचर के सही एफर्ट्स की वजह से मेरे जो सारे बेसिक्स कम्प्लीट हुए, और मैंने 12th में अपने हिसाब से काफ़ी मेहनत करी. मेरे 12th में मैंने 87% स्कोर किए. उसके बाद उसके पीछे मेरे टीचर्स का काफ़ी उसमें बड़ा रोल था, क्योंकि मैंने 11th में मेरे बहुत बेसिक्स कमज़ोर हो गए थे. मुझको यहाँ का एटमॉस्फियर सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, एटमॉस्फियर, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, फूडिंग, हॉस्टल. और इसके बाद मैंने मेरे यहाँ पे भी दो भाई बहन भी पढ़ रहे हैं, जिनको लेने में आता जाता रहता हूँ, उनको छोड़ने लेने उनके वेकेशन में जब भी आना जाना रहता है.